जैसा कि मैं हर बार एक पोर्शन खत्म करने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, तो इस बार जो सवाल मैंने आपके लिए बनाए हैं ये मैंने नहीं बनाए, ये यूजीसी नेट में पूछे गए थे। तो मैंने कुछ साल के क्वेश्चन पेपर से 5 सवाल लिए हैं, और मैंने किस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया है, कौन सा पेपर है, पेपर 3rd है या 2nd है, या कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये भी मेंशन कर दिया है। बट प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इसको बिल्कुल एज इट इज देख के मुझे आंसर मत बताइएगा, कोशिश करिएगा इसको ढूंढने की, क्योंकि अगर आप ढूंढते हैं तो आप एक सवाल का आंसर ढूंढते हैं, आप 3 के आंसर और आपको मिल जाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये क्वेश्चन है, इसका मान लीजिए राइट आंसर ए है, तो बाकी जो 3 रॉन्ग हैं वो किसके राइट आंसर हैं, ये भी चेक करने की कोशिश करिए। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन ये पता है आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है और आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप एक सवाल के साथ साथ 4 सवाल तैयार कर लेते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप सारे सवाल ऐसे ही पढ़िए, पर कुछ सवाल ऐसे रखिए जिसके आंसर आप ऐसे ढूंढिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक बार करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। चलिए मैं आपसे अपना सवाल पूछ लेती हूँ। मैंने यूजीसी नेट का पेपर 3rd का हिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन लिया है वो दिसंबर 2015 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 49। ये है कि 17वीं सदी में एक सूफी ग्रंथ मिरात उल असरार, ये ग्रंथ का नाम है, एक ये सूफी ग्रंथ है, इसमें कबीर को एक फिरदौसी सूफी बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। 17वीं सदी के एक सूफी ग्रंथ मिरात उल असरार में कबीर को एक फिरदौसी संत सूफी संत बताया गया है, ये कथन सत्य है या असत्य, इसका आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है जून 2015 से, ये पेपर 2nd का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुहरावर्दी सूफी सिलसिले के सूफी संत थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने पूछा है सुहरावर्दी जो सूफी सिलसिला था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कि इनमें से कौन से संत हैं जो सुहरावर्दी थे। ठीक है, आंसर 1 भी हो सकता है, आंसर 2 भी हो सकते हैं, अब इसको आप सर्च करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। फिर मैंने इसी 2015 से ही एक और क्वेश्चन उठाया, ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं हैं। ये क्वेश्चन मैं मतलब ये आपके लिए बहुत आसान है और आई थिंक आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचना है, ए शेख फरीद की, बी गुरु नानक तथा उनके उत्तराधिकारियों की, सी नामदेव कबीर तथा रविदास की, और डी उपरोक्त सभी की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2014 के पेपर 3rd से, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने बीमारी के ठीक हो जाने पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान में बूदा पहना। तो मैंने आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ाया है और ये भी बताया है कि इनकी दरगाह अजमेर में थी, तो आपको, और ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा संत था, मतलब ऐसा कौन सा मुगल जो सम्राट था, एम्परर था, उसने अपनी बीमारी ठीक हो जाने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने के लिए कान में बूंदा पहना। बूंदा मतलब बाली या टप्स, कुछ भी कह लीजिए। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, और डी शाहजहां। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2014 के पेपर 3rd से, इसमें आपको मैच करना है कि ये सूफी संतों के नाम हैं और ये है वो सूफी कार्य क्षेत्र, मतलब जहाँ सूफियों का कार्य क्षेत्र, मतलब जहाँ जहाँ जिसने जिसने अपनी खानकाह बनाई थी, जहाँ जहाँ से अपनी शिक्षाओं का, अपने उपदेशों का प्रसार किया था। तो पहले आपके हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके सामने दिल्ली लिखा हुआ है, फिर बी शेख बहाउद्दीन जकरिया, इनके सामने अयोध्या लिखा हुआ है, फिर शेख फरीरुद्दीन मसूद गजेशंकर हैं, इनके सामने मुल्तान लिखा हुआ है, और आपके फिर नेक्स्ट हैं और लास्ट हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनका अजमेर लिखा हुआ है। आपको इसमें मैच करना है कि कौन किसका खानकाह था, और मुझे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है। मैं एक बात आप लोग को बार बार बोलती हूँ, अभी फिर बोल रही हूँ कि प्लीज़ डेली का डेली 50 क्वेश्चन
लगाने की मतलब सॉल्व करने की आदत डाली है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके यूजीसी के तो सारे सवाल सॉल्व हो ही जाएंगे, प्लस आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे कि आपको फिर कोई कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपका एग्ज़ाम के टाइम में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। हम हर एक चीज़ रिटन में नहीं पढ़ सकते, आप बहुत सारी आप कोई भी किताब पढ़ेंगे आप देखेंगे वो उसकी एक लिमिटेशन है, वो ऐसा तो है नहीं कि हर फैक्ट को मेंशन कर दे। नहीं, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तो क्वेश्चन में इतने सारे आंसर छुपे होते हैं जो जो मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं मिल पाते हैं। मैं टेक्स्ट बुक पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ है, टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके साथ लेक्चर सीरीज सुनिए और 50 क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, और मुझे जल्दी से जल्दी अपने कमेंट्स को लिख भेजिए। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा। अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। हाँ, आप एक लास्ट बात जो मुझे आपको बतानी थी वो ये कि लोगों ने मुझसे पीडीएफ फाइल मांगी, तो एक बार लेक्चर सारे ख़त्म हो जाएं मैं सब कौन सी बुक आपको पढ़नी है साथ साथ मैं बताती जाऊंगी, और आपको जितनी पीडीएफ फाइल मैं अवेलेबल करा पाऊंगी, इनफैक्ट मेरे अपने नोट्स भी और जो मुझे अवेलेबल हो पाएंगे वो भी सब मैं आपको भेजती जाऊंगी। पढ़ना आपका काम है तो फिर अच्छे से पढ़िए, तब फिर मिलते हैं, सी यू देन, बाय।